बालासोर ट्रेन हादसा सबसे बड़ी खबर है और इस खबर से जुड़ा हर अपडेट सबसे पहले इंडिया न्यूज पर आप देख पा रहे हैं। इस वक्त का ताजा अपडेट आप जानिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से फोन पर बात की है, क्योंकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल सुबह से लेकर अब तक वहां पर डटे हुए हैं और हर काम का जायजा ले रहे हैं। पीएम मोदी ने रेल मंत्री से मरम्मत कार्य की प्रगति के बारे में भी जानकारी ली है, साथ ही साथ जो घायल लोग अस्पतालों में भर्ती है उनके हालचाल को लेकर भी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कल पहुंचे थे घटनास्थल पर, जायजा भी लिया था, साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार हैं, जो घायल लोग हैं उनसे मुलाकात भी अस्पताल में जाकर प्रधानमंत्री ने की थी। अभी का जो ताजा अपडेट है, क्योंकि जैसे ही हादसा हुआ सबसे पहले नवीन पटनायक पहुंच गए थे ओडिशा के सीएम, रेल मंत्री पहुंच गए थे अश्विनी वैष्णव और अश्विनी वैष्णव कल दिन भर वहां रहे, रात बचाव कार्य करवाया, उसका जायजा लिया, रात में भी थे। घायल हुए थे, उसकी ट्रीटमेंट चल रही है, 100 से अधिक लोग उसको क्रिटिकल केयर की आवश्यकता है, कई पेशेंट को ऑपरेशन करने की आवश्यकता है, उसको तुरंत ही अच्छी ट्रीटमेंट मिले इसलिए दिल्ली एम्स, लेडी हार्डिंग्स हॉस्पिटल, आरएमएलए हॉस्पिटल सभी जगह से एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम एयरफोर्स के स्पेशल प्लेन के द्वारा मॉडर्न इक्विपमेंट और मेडिसिन के साथ अभी पहुंच चुकी है। मैंने डिटेल डिस्कशन और रिव्यू किया है, कौन सी हॉस्पिटल में पेशेंट है, वहाँ उसको किस टाइप के ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, उसमें एक्सपर्ट कौन डॉक्टर कहाँ पर सहयोग कर सकते हैं, उसके बारे में हमने वर्किंग प्लान बना लिया है और तुरंत ही उसकी विशेष ट्रीटमेंट चालू हो जाएगी ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जीवन को बचा सकें। क्योंकि भुवनेश्वर पहुंचे, घायलों से मुलाकात भी की, भुवनेश्वर एम्स में जाकर घायलों से मिले, पीड़ित परिवारों से मिले, साथ ही साथ वो बता रहे हैं कि जो प्राथमिकता हमारी है वो ये कि जो घायलों को अस्पतालों में पहुंचा दिए गए हैं उन्हें बेहतर ट्रीटमेंट मिले और बेहतर स्थिति में उन्हें रिकवर होने के बाद उन्हें घर भेज दिया जाए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी हम बचाना चाहते हैं। मनसुख मांडविया स्पेशली जो घटना में जख्मी हुए लोग हैं उनसे मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं, और चूंकि बालासोर में बहुत ज्यादा बड़े अस्पताल नहीं है और बहुत ज्यादा अस्पतालों की संख्या भी नहीं है, बालासोर के अलावा आसपास के इलाकों में जो अस्पताल हैं आसपास वहां उन अस्पतालों में भर्ती कराया गया जो क्रिटिकल कंडीशन में है उन्हें भुवनेश्वर एम्स पहुंचाया गया है। शक्ति हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, इंडिया न्यूज संवाददाता। शक्ति, अभी आप कहां पर मौजूद हैं, हालात क्या कुछ बने हुए हैं? देखिए रचना, आपको बताया कि हम अभी वहीं मौजूद हैं जहां पे 2 जून को ट्रेन हादसा हुआ था। तस्वीरों में हम दिखाएंगे, अपने कैमरा पर्सन कहेंगे कि वो तस्वीरों को दिखाएं कि आप देख सकते हैं किस तरह से ये वही जगह है जहां पे जो है 2 जून को जो है ट्रेन हादसा हुआ था, जिसमें 288 लोगों की मौत हो गई है और किस तरह से जो है रेस्क्यू के जो काम जो है वो लगातार 24 घंटे से जो जारी है। कई पोकलेन मशीन जो और JCB की मशीनें लगाई गई है, आप देख सकते हैं कि ट्रैक है और ट्रैक पर जो है हजारों की संख्या में जो है कर्मी लगे हुए, NDRF की टीम लगे हुए, रेलवे के कर्मचारी लगे हुए हैं और किस पूरी कोशिश की जा रही है कि जो ट्रैक है, जो ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया है उस ट्रैक को जो है फिर से एक बार सिद्ध किया जाए ताकि जो ट्रेनों का जो चालन है यहाँ से सुचारू रूप से किया जाए। और आप देख सकते हैं कि जो भारी संख्या में जो NDRF और जो रेलवे कर्मी हैं वो मौजूद हैं और तस्वीर में आप देख सकते हैं अभी भी जो है वो जो डब्बे जो पलट गए थे वो किस तरह से अभी भी जो है ट्रैक के ठीक बगल में जो है गिरे हुए हैं। अपने आप कैमरा पर्सन प्रभात हैं, उनको कहेंगे कि वो अपने लेफ्ट साइड दिखाएं, जो अभी जो डिब्बे हैं जो ट्रैक के बाईं साइड में हैं वो देख सकते हैं आपके जो डिब्बे अभी भी पड़े हुए हैं और ट्रैक के कितने दूर जाके गिरे हैं आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ट्रेन की जो रफ्तार थी जो कितनी भयानक रही होगी और टक्कर कितनी भयानक रही होगी, जो डिब्बे हैं वो किस तरह से पलट के जो है जो ट्रैक है उससे काफ़ी दूर जाके गिरे हुए हैं और इसलिए जो कई लोगों की मौतें भी हो गई है। और देखिए तरह से जो पोकलेन मशीन और जो है रेलवे की इंटरलॉकिंग और तमाम जो अति है उसको सही किया जा रहा है और NDRF की और जो पुलिस रेलवे के अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, रेल मंत्री भी जो है यहाँ पर पहले आए थे और तमाम आप देख सकते हैं कि किस लगातार जो है रेस्क्यू का टीम भी एक काम चला किया जा रहा है और साथ ही साथ जो घायल हैं उनकी भी स्वास्थ्य की जो है अस्पतालों में जो है उनको भी ख्याल रखा जा रहा है ताकि जो घायल हैं उनको सही ट्रीटमेंट जो है दिया जा सके। जी शक्ति, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, हालांकि आप थोड़ा दूर से तस्वीरें दिखा रहे हैं, एरियल व्यू से तस्वीरें हमें मिल पा रही हैं, लेकिन शक्ति चूंकि इंडिया न्यूज़ की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद, एक मिनट, रिएक्शन आ रहा है। 1000 से अधिक लोग
घायल हुए हैं, उसके ट्रीटमेंट चल रही है। 100 से अधिक लोग उसको क्रिटिकल केयर की आवश्यकता है, कई पेशेंट को ऑपरेशन करने की आवश्यकता है, उसको तुरंत ही अच्छी ट्रीटमेंट मिले, इसलिए दिल्ली एम्स, लेडी हार्डिंग्स हॉस्पिटल, आरएमएलए हॉस्पिटल, सभी जगह से एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम एयरफोर्स के स्पेशल प्लेन के द्वारा मॉडर्न इक्विपमेंट और मेडिसिन के साथ अभी पहुंच चुकी है। मैंने डिटेल डिस्कशन और रिव्यू किया है, कौन सी हॉस्पिटल में पेशेंट है, वहां उसको किस टाइप की ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, उसमें एक्सपर्ट टीम के कौन डॉक्टर कहां पर सहयोग कर सकते हैं, उसके बारे में हमने वर्किंग प्लान बना लिया है और तुरंत ही उसकी विशेष ट्रीटमेंट चालू हो जाएगी, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जीवन को बचा सकें। मनसुख मांडविया कह रहे हैं कि हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी बच पाए। 1000 से ज्यादा लोग जो जख्मी स्थिति में थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं क्रिटिकल कंडीशन में हैं। लेकिन तारीफ करनी होगी ओडिशा के उन लोगों की जिन्होंने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत बचाव के काम में भी हाथ बटाया, फिर अस्पताल पहुंच गए, लंबी लाइन लगाई, ब्लड डोनेट करने के लिए इनिशिएटिव लिया, जिसकी सराहना खुद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी की है। ये जो तस्वीरें हैं ये कलेजा चीर देने वाली तस्वीरें हैं, दिल को दहलाने वाली तस्वीरें हैं। अलग अलग जगह से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ट्रेन की बोगियां यहां वहां पड़ी हुई थी, सामान बिखरा हुआ है, इंसानी जिस्म के टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए, जो कि हमने आपको नहीं दिखाया और नैतिकता के आधार पर नहीं भी दिखाना चाहिए, क्योंकि हर तस्वीर आप तक पहुंचाई नहीं जा सकती। लेकिन वो तस्वीरें हम तक पहुंच रही हैं, वो तस्वीरें इंडिया न्यूज संवाददाता जो कि घटनास्थल पर मौजूद हैं वो अपनी आंखों से देख रहे हैं। लेकिन चूंकि मीडिया चैनल है, नैतिक जिम्मेदारी के साथ ही आप तक तस्वीरें पहुंचानी है। शक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति, चूंकि आप घटनास्थल पर मौजूद हैं, स्थानीय लोग बता रहे थे कि 200 से 300 मीटर की दूरी पर थे, तेज आवाज आई, दौड़ते हुए आए, लोगों को बचाने का काम शुरू हुआ। कितने लोगों से आपकी बात हो पाई है, किस तरीके से इस घटना को डिफाइन कर रहे हैं अभी, क्या डरे सहमे हैं वो? देखिए, लोगों में जो है डर तो अभी भी बरकरार है। जिस तरह से घटना घटी थी, जिस तरह से तेज़ आवाज़ हुई, स्थानीय लोग हैं और जो पीड़ित हैं उनका कहना है कि जो तेज़ आवाज़ के बाद जो है उनकी नींद जो है वो उन्हें झटका लगा। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जो है जो ट्रैक के दूर, काफ़ी दूर जो है रेल की जो बोगियाँ हैं वो गिरी हुई है। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो टक्कर थी वो कितनी भयावह रही होगी, जिसमें जो लोग हैं तकरीबन 288 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं, अभी भी हमने हमारी कई लोगों से बात भी, उन्होंने का साफ कहना था कि जो रेल हादसा से है, जो हादसा हुआ है इससे वो काफ़ी सालों तक जो है वो नहीं भूल पाएंगे। और लोगों के जहन में कहीं ना कहीं इस रेल हादसा जो इस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे उनमें जो है काफ़ी जो डर है वो अब कहीं ना कहीं, उसमें से ज़्यादातर लोग ऐसे भी होंगे जो अब अगली बार जब ट्रेन का सफ़र करेंगे तो उनके मन में कहीं ना कहीं जो खौफ जो है ये घटना का जो है वो उन पर जो है निश्चित रूप से मिलेगा। और आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरह से जो ट्रेन की पटरियां गिरी हुई है, अभी भी जो है कई जो ट्रेन ट्रैक है उसको ठीक करने के लिए रेलकर्मी जो है वो मौजूद हैं और कई मशीनें जो है लगी हुई है, राहत कार्य में हैं कई लोग लगे हुए हैं और साथ ही साथ जो पुलिस के जवान हैं वो भी मौजूद हैं। सुरक्षा को लेकर भी जो है काफ़ी खास बात यह है कि जो स्थानीय लोग हैं वो काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं और इसके लेकर जो है रहा रेस्क्यू ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है उसे काफ़ी आसानी हो रही है। शक्ति, क्या आपके लिए पॉसिबल है थोड़ा नीचे जाएं, ट्रैक के पास जाएं, ताकि पास से तस्वीरें हम देख सकें? देखिए निश्चित रूप से अभी फिलहाल जो प्रशासन की टीम है वो वहाँ पर जाने से रोक रही है और जो प्रशासन के जो हैं अधिकारी हैं वो जो हैं रेलवे ट्रैक के पास फिलहाल मीडियाकर्मियों को अब वहाँ से हटा रहे हैं और मीडियाकर्मियों को जो वहाँ जाने नहीं दे रहे, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम वहाँ जाएँ और जो हालात हैं उससे जो है अपने दर्शकों को रूबरू कराएं। जी, तो एक काम कीजिए, जहाँ पर आप हैं वहीं पर थोड़ा सा आगे चलिए, पीछे चलिए, ताकि जहाँ पर बोगियाँ हैं, जहाँ पर ये घटना घटी है, ये हादसा हुआ है, वहाँ की तस्वीरें थोड़ा और पास से आप कैमरा जूम करके दर्शकों को दिखा सकें, क्योंकि मनसुख मांडविया ने भी बताया है कि 1000 लोग
जख्मी स्थिति में अस्पताल पहुंचाए गए। 100 से ज्यादा ऐसे हैं जिनकी स्थिति गंभीर है। 288 लोगों की जान जा चुकी है। शक्ति जो स्थानीय लोग हैं वो अस्पताल में भी पहुंच रहे होंगे। अब अस्पतालों में पहुंचने के बाद नहीं, ये कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें जरा दर्शकों को दिखा देते हैं। हादसे वाली जगह पर अब किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद ट्रैक बहाली का काम चल रहा है। और इसमें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात भी की है। प्रधानमंत्री ने ट्रैक बहाली के काम को लेकर जानकारी भी ली है। ये थोड़ी देर पहले का अपडेट है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये भी बताया है कि अब चूंकि जांच अब पूरी हो चुकी है, साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव के कारण ये दुर्घटना घटी है। ये केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के जरिए बताया गया है। और जो जांच रिपोर्ट है वो पूरी तरीके से साफ कर देगी कि कैसे और किस तरीके से ये घटना घटी है। एरियल व्यू में ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आसमान से ली गई ये तस्वीरें हैं, यानी कि ड्रोन कैमरा के जरिए जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ मनसुख मांडविया हैं जो कि पहुंचे हुए हैं और डॉक्टर्स के साथ मनसुख मांडविया बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर्स को इस वक्त में इलाज में तेजी लाने के भी निर्देश दिए गए हैं और किसी भी तरह से कोई लापरवाही ना हो ये भी इंश्योर कर रहे हैं मनसुख मांडविया। और शक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति, कुछ तस्वीरें दिखाइए, बताइए अभी क्या कुछ ट्रैक बहाली को लेकर काम चल रहा है। जानकारी ऐसी है कि 100 से ज्यादा लोग अभी एक साथ काम कर रहे हैं वहां पर। जी निश्चित रूप से आप देख सकते हैं किस तरह से जो है जो तस्वीरें हैं, जो ट्रैक है उसको जो है दुरुस्त करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तकरीबन 1000 की संख्या में जो कहा जा रहा है कि कर्मचारी और NDRF की टीम जो है वो लगी हुई है। एक तरफ जो है जो ट्रैक है उस पर जो ट्रैक खराब हो गया था उसको सही करने की कवायद चल रही है। पोकलेन और JCB मशीन द्वारा जो है मिट्टी को जो है फिर जो धंस गई है उसको फिर से ठीक किया जा रहा है। जो गिट्टी होती है जो ट्रैक पर बिछाया जाता है जो ताकि ट्रैक है वो धसे नहीं उसको फिर से जो है सही किया जा रहा है। जैसी मशीन द्वारा जो है उनको को फिर से जो है वो सही करके जो है और जो ट्रैक है उसको फिर से बिछा के जो है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जो रेलवे की जो इंजन है जो मशीनें हैं जिससे जो है ट्रैक को सही किया जाता है वो मशीन के द्वारा जो है ट्रैक को सही किया जा रहा है। और साथ ही साथ प्रशासन की टीम भी जो है लगातार मौजूद है। एक और तस्वीर भी मिल रही है, एक और तस्वीर भी मिल रही है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं तस्वीरों में दिख रहे हैं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी, और चूंकि घायलों से मिलने के लिए पहुंचे हैं धर्मेंद्र प्रधान भी और अश्विनी वैष्णव भी कल से मौजूद हैं। कल सुबह से घटना स्थल पर पहुंचे, रात बचाव कार्य का जायजा भी लिया। शक्ति, तब तक आप कोशिश कीजिए नीचे की तरफ जाने की। जो तस्वीरें अभी हमारे पास हैं उन्हें हम दिखाने की कोशिश करते हैं और आप कैमरा ऑन करके ही चलते रहिए। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे जो तस्वीरें सामने आएंगी वो दर्शकों को हम दिखाते रहेंगे, समझाते रहेंगे। लेकिन आप जब नीचे जाएंगे तो तस्वीरें कुछ और क्लैरिटी के साथ दर्शकों तक पहुंच पाएंगी। वहीं दूसरी तरफ जो तस्वीर जिसका मैं जिक्र कर रही थी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, साथ में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी हैं, घायलों से मिलकर उनका हालचाल जान रहे हैं। क्योंकि 1000 से ज्यादा लोग ऐसे थे जो अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराए गए। इस बीच बहुत सी दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं, ऐसी दर्दनाक तस्वीरें हैं जो हम आप तक नहीं पहुंचा सकते। इस बात का मतलब समझिएगा, बड़ी ही कलेजा चीर देने वाली वो तस्वीरें हैं जहां पर जहां तहां लोगों की लाशें बिखरी हुई हैं, जहां तहां इंसानी जिस्म के चिथड़े पड़े हैं या फिर इंसानी अंग पड़े हुए हैं। सामान तो यहाँ वहाँ बिखरा ही हुआ है जो कि कैमरामैन के जरिए, रिपोर्टर के जरिए लाइव रिपोर्टिंग के दौरान आप तक पहुँचा रहे हैं, दिखा रहे हैं। लेकिन हम नहीं दिखा सकते वो तस्वीरें जो कि मीडिया गाइडलाइंस से परे जाएं, यानी कि हम खून नहीं दिखा सकते, हम ऐसी कोई विचलित करने वाली तस्वीर नहीं दिखा सकते जिसमें किसी की भी मानसिक स्थिति पर असर हो। विचलित करने वाली तस्वीरें हम नहीं दिखा सकते, लेकिन चूंकि मीडिया चैनल हैं खबर भी आप तक पहुँचानी है, खबर पहुँचा रहे हैं, अपडेट भी बता रहे हैं। जो डेवलपमेंट अब तक हो रहा है, ट्रैक बहाली को लेकर काम चल रहा है और एक साथ एक फ्रेम में आपको अभी इस वक्त 3 से 4 JCB मशीन दिख रही हैं जो मलबा हटाने का काम वहां पर कर रही हैं। जैसे शक्ति ने अपनी लाइव रिपोर्ट में बताया, वहां पर अब जो ट्रैक के आसपास गिट्टियां होती हैं, जो वहां पर पत्थर होते हैं, जो ट्रैक जिस तरीके से बिछाया जाता है उसको लेकर अपडेट ये है कि कुछ पटरियां उखड़ गई, कुछ दिक्कत वहां पर आई है। और उन्हीं सब दिक्कतों को दूर करने के लिए करीब करीब 1000 लोगों की टीम है जो कल से लेकर आज तक काम कर रही है। मतलब जो प्राथमिकता थी वो प्राथमिकता थी लोगों को निकालना, जो फंसे हुए ट्रेन में जिंदा या मृत लोगों को निकाला गया और ये रात तक सिलसिला जारी रहा। दिन में ऐसा लग रहा था कि सबको निकाल लिया गया है, लेकिन रात में जब जो बोगियां चिपकी हुई थी उन्हें अलग किया जा रहा था गैस कटर से काटकर, तो जहां तहां कोनों में जहां पर बोगियां चिपकी हुई थी वहां से भी शव निकल रहे थे। ऐसी दर्दनाक तस्वीरें हैं
जिन्हें आप देख नहीं सकते, जिन्हें देखकर आपका मन विचलित हो जाएगा, ऐसे में बोगियों को काटकर साइड किया गया है, जो मनोहर केसरी लाइव रिपोर्ट में दिखा भी रहे थे कि बोगियों को फिलहाल साइड कर दिया गया है, ट्रैक खाली कराया गया है और ट्रैक की बहाली का काम चल रहा है। जैसे कि अश्विनी वैष्णव ने यह भी बताया कि बुधवार सुबह तक हम टारगेट लेकर चल रहे हैं ताकि ट्रैक बहाली का काम हो। लाखों पैसेंजर्स ऐसे भी हैं जो अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में बैठे हुए हैं स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतजार करने के लिए, क्योंकि टिकट बुक किए गए थे। ऐसे में उन लाखों लोगों को अब समझ में नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या, जब ट्रेन कैंसिल हो रही हैं, कई ट्रेनें ऐसी हैं जो डाइवर्ट की गई हैं, 3 ट्रेनों की टक्कर और ये भीषण हादसा, ये भीषण रेल हादसा जो देश के 140 करोड़ देशवासियों को परेशान कर रहा है, बेचैन कर रहा है और साथ ही साथ कई सवाल भी पूछ रहा है कि अगर ट्रेन में सफर करने वाले पैसेंजर्स हैं जो रेगुलर ट्रेन का सहारा लेते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, उनके लिए कैसे उनके मन में ख्याल आएगा कि सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर वो इंश्योर रहें, सेफ्टी सिक्योरिटी उनकी पक्की हो गई है। क्योंकि जब इस तरह के हादसे सामने आते हैं तो आम लोगों में सबसे ज्यादा डर बैठता है और मैक्सिमम जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो ट्रेन का सहारा लेते हैं, सहूलियत भी रहती है और ट्रेन सुविधाजनक भी रहती है और आधुनिक समय में कितनी नई ट्रेनें भी चलाई गई हैं नए नए दावों के साथ में। लेकिन ये जो ट्रेन टक्कर हुई है, 3 ट्रेनों की जो टक्कर हुई है उसमें 288 लोगों की जान का जाना और जहां तहां शवों का यूं पड़े रहना, ये हर किसी को झंझोर रहा है और परेशान करने वाली तस्वीर हर तरफ तक नहीं पहुंचाई जा सकती, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें आपको भरमार दिखाएंगी और आपको ये मालूम होगी ये हादसा वाकई में कितना ज्यादा दर्द, कितना ज्यादा मन को विचलित और परेशान कर देने वाला है। शक्ति, आप हैं हमारे साथ? शक्ति जैसे ही कनेक्ट होंगे, शक्ति से हम ताजा तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाएंगे। शक्ति, अभी आप कहां हैं, लाइव तस्वीरें दिखा पाएंगे आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, अभी हम नीचे एरियल शॉट अभी तो थोड़ा देर पहले अपनी तस्वीरें जो है अपने दर्शकों को दिखा रहे थे और अब जो है जो ट्रैक है वहाँ से आपको तस्वीरें जो देख सकते हैं किस तरह से जो है ट्रैक को जो है सही किया जा रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि नीचे जाएँ और पास जाएँ ताकि जो तस्वीरें हैं अपने दर्शकों को और नज़दीक से दिखा सकें। और देख सकते हैं कि जो प्रशासन के द्वारा जो फिलहाल जो है रास्ते बंद कर दिए गए हैं और हम देखिए कोशिश कर रहे हैं हम कि किस तरह से जो है नीचे जाएं और पास जाके जो है अपने दर्शकों को जो है। शक्ति, जब तक आप पास जाते हैं जरा बताएंगे कि आप जिन लोगों के बीच में थे वो लोग क्या बता रहे हैं, जिस दिन हादसा हुआ था कैसी भयानक आवाज आई थी, कैसे चीख पुकार मच गई थी, जब तक आप ट्रैक के नजदीक जा रहे हैं तब तक बताइए। जी देखिए, जो लोग थे जो चश्मदीद थे उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि जैसे ही ट्रैक में जो एक तेज आवाज हुई और जब उन्होंने देखा तो चीख पुकारे कुछ गई थी, लोग जो है इधर से उधर दौड़ रहे और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जो है लोग हैं और कई लोग हैं जो है यहाँ से गए थे और आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो है और देख सके किस तरह से प्रशासन के द्वारा जो है बार बार जो है रोका जा रहा है, लेकिन हम जो है तस्वीरें देख रेस्क्यू की जो टीमें हैं चल रही है, प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं और 24 घंटे जो है कवायद ये की जा रही है जो रेलवे का जो ट्रैक है उसको किस तरह से सुचारू ताकि जो परिचालन है वो 24 घंटे चल सके। और अब लगातार आप देख सकते हैं कि रेलवे के कर्मी है किस तरह से ट्रैक को जो है एक बार फिर से दुरुस्त किया जा रहा है कि जो पटरियां हैं जो ट्रेनें हैं। शक्ति, क्या आप वहां जा सकते हैं जहां पर बोगियां साइड कर दी गई हैं, क्या वहां जा सकते हैं? शक्ति, कुछ पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है और चूंकि मीडिया कर्मियों को अभी जाने से रोका जा रहा है, शक्ति जैसे कि लाइव रिपोर्ट में भी अभी बता रहे थे और पुलिस वालों को भी हमने देखा, जो पुलिस वाले कह रहे हैं कि आप लोग साइड हो जाइए, यहां पर जो ट्रैक बहाली का काम है उसमें किसी तरह से कोई अड़चन ना आए, कोई बाधा ना आए, ये कोशिश हो रही है। शक्ति जो कि जुड़े हुए हैं और शक्ति बता रहे हैं कि जहां पर यह हादसा हुआ ट्रैक बहाली का काम हो रहा है। शक्ति जहां पर ट्रैक के किनारे जिन बोगियों को जो कि क्षतिग्रस्त हैं वहां उन बोगियों को जहां साइड किया गया है, क्या वहां तक पहुंच पाएंगे आप? देखिए हम वहीं पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यहीं पर जो है हादसा हुआ था, ये वही ट्रैक है जो साइड पे यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये साइड वाली थी और इसी ट्रैक पर जो है ट्रेन जो है आकर थका थी और प्रशासन के द्वारा जो है अब रोका जा रहा है मीडिया कर्मियों को, उन्हें वहाँ तक नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं देख सकते हैं कि जो रेल कर्मी है लगातार ट्रैक को बनाने की कवायद कर रहे हैं और हमारे उस साइड जो है आप देखिए किस तरह से जो पटरियों के बगल में जो है रेलवे की बोगियाँ जो है अभी भी भरी हुई है और आप देखिए इसी ट्रैक को जो है
आप देखिए ट्रैक को किस तरह से, ये ट्रैक पहले उखड़ गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन इसको कोशिश की जा रही थी। और आपको एक और तस्वीर दिखाएंगे, ये इंटरलॉकिंग की जो बात आ रही है, हम अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे कि वो दिखाएं। और आप ये तस्वीरों में किस तरह से, अभी हम वहाँ ग्राउंड जीरो पहुँच गए हैं, ये वही ट्रैक है, देखिए किस तरह से गिट्टियाँ जो हैं यहाँ उखड़ गई थी, लेकिन जो रेलवे के जो कर्मी हैं फिर से एक बार गिट्टियों को, जो ट्रैक है उसको कोशिश की जा रही है। आप देखिए जो गिट्टियाँ हैं यहाँ भरी जा रही है ताकि जो ट्रेन का परिचालन है वो सही से हो सके। और तमाम आप देख सकते हैं जो गिट्टियों को ला के जो है जेसीबी मशीन के द्वारा और तमाम कर्मी हैं वो ला रहे हैं। और यहाँ पे देखिए किस तरह से पॉकलेन की मशीनें हैं कई ली हुई हैं, और साइड में ट्रैक के ठीक साथ जो दाहिनी साइड और है, आप देखिए जो अभी पटरियां जो है कितनी दूर जो है गिरी हुई पहुंची हुई है, आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि कितनी भयानक जो ये टक्कर रही होगी। और आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से हम वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। और देखिए ये ट्रैक है, यही वो ट्रैक है जहाँ जो कि क्षतिग्रस्त हुआ था, यहीं पर जो है फिर आके जो है कोरोमंडल जो ट्रेन है उस पर टोकर मारी थी। और देखिए किस तरह से जो पटरियां हैं अभी उखड़ी पड़ी हुई है, हालांकि प्रशासन द्वारा लगातार कोशिश किया जा रहा। और आप देख सकते हैं किस तरह से पटरियों में जो लोहे की अथी है, लेकिन इसमें जो निशान है आप देखिए अभी भी निशान जो है पटरियों पर किस तरह से बने हुए हैं, लोहे की है, कितना मुश्किल होता है किसी लोहे पर किसी तरह का निशान देना, लेकिन निशान जो आप देख रहे हैं किस तरह से जो पूरे ट्रैक पर जो है बना हुआ है। और देखिए किस तरह से जो ये निशान है कितना भयावह रहा होगा, रेलवे की पट्टियाँ जो होती है काफ़ी लोहे मजबूत होती है, और उसको जो है किस तरह से जिसके निशान बनाया गया है कि इसे आप देख सकते हैं। और साथ ही ट्रैक जो गिट्टी है, देखिए किस तरह से जो है ट्रैक, ये देखिए ये तस्वीरें हम अपने कैमरा पर्सन प्रभात को कहेंगे जो दिखाएं, जो ट्रेन की जो पटरियां किस तरह से इसको इसे जो है पत्थरों से इंटरलॉक किया जाता है, लेकिन ये टूट गई है। इसका टूटना आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो ट्रैक से टूटा है कितनी भयानक टक्कर रही होगी जो ये पटरियाँ उखड़ गई है। और आप देखिए किस तरह से हमारे पास जो है ट्रैक की जो है ये भी पूरी उखड़ गई है। आप देखिए कि पहले जो ट्रैक था वो जो ट्रैक था क्या 7 बजे के उधर करंट धुआं हो गया, मारा हो गया पूरा। आप यहाँ पर देखे उस समय थे? अच्छा क्या क्यों हुआ था उस समय? किसने उधर आ रहा है ट्रेन आ रहा थे 7 बजे के पूरा एक्सीडेंट हो गया पूरा। 7 बजे बता कितने लोग मरे थे उसमें, जो घटना घटी आप कहाँ थे और कैसे? 800-900 लोग, 900-1100 ऊपर लोग, 1100 से ज्यादा, प्रशासन 288 लोगों की वो तो बोलेगा ना। आप क्या हुआ था, आप लोग जब घटना पहुंचे तो फिर आप दौड़ के आए, उसके बाद पहली बार क्या देखा? दो चार आदमी की सेफ्टी करा है, रो रहे थे पूरा, कौन इधर पड़ा है उधर पड़ा है, कौन एक दो आदमी थे, उन्होंने क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा पूरा, जितना हुआ इतना करा है, कहीं बॉल सीन करा है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? इतना तो दो चार आदमी के उठे गए हॉस्पिटल ऊपर पहुँचाया, और इसको गवर्नमेंट का आदमी आगे गया उधर। अच्छा आप लोग ये क्या हुआ था? ऐसे करंट से था, बहुत आदमी मर गया रहे, 200-300 मर ऊपर मर गया, वो तो 7-7.5 बजे हुई। कितने लोगों को आप लोगों ने बचाया? 5-6 आदमी देखा है, 5-6 आदमी देखा है, 5-6 लोग। हाँ अब बहुत आदमी मर था, बच्चे भी लोग भी थे? हाँ सब सब है, नाबालिग है सब है। अच्छा, और उसके बाद जब रोने की आवाज आप लोगों ने सुनी तो उसके बाद आप लोग क्या किए? चीख रहा था और फोन आ रहा है घर पे, फोन सुना है एक्सीडेंट हो गया, फोन आ रहा है घर में, चीखे थी रो रहे थे लोग, क्या इसका मार वो कौन करेगा, किस वो नहीं आ रहा है सब। उस घटना को याद करके उनका दिल सहम रहा है। एक काम कीजिएगा शक्ति, ऐसे कुछ और लोगों को इकट्ठा कीजिएगा, बहुत छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे तो ताजा तस्वीरें भी आप दिखाएंगे और भी लोगों से बात कीजिएगा, हादसा कैसे हुआ, क्या उन्होंने अपनी आंखों से देखा। एक ब्रेक।